नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बड़ा बयान दिया है। सिब्बल के इस बयान से जाहिर होता है कि सिब्बल का गुस्सा और दर्द दोनों कम नहीं हुआ है। सिब्बल ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब CWC की बैठक हो रही थी और हम पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लग रहे थे, तब एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने हमारे पक्ष में बयान दिया हो। हमें BJP से मिली भगत वाला कह दिया गया। बैठक में हमें धोखेबाज कहा गया था और नेतृत्व समेत उस बैठक में शामिल किसी सदस्य ने भी उन्हें नहीं बताया कि ये कांग्रेस की भाषा नहीं है। उन्हें दुख है कि आवाज उठाने वालों को जयचंद और गद्दार कहा गया। सिब्बल ने कहा कि हमारा पत्र का हर अंश बहुत सभ्य भाषा में लिखा गया था। पूरी मीटिंग में सिर्फ पत्र के अंदर क्या लिखा गया था उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन पत्र पर चर्चा करने के बजाय पत्र लिखने वालों पर निशाना साधा गया, जो कि सही नहीं था। दरअसल कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए एक पत्र लिखा। उसके कुछ ही दिनों बाद बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी पत्र भेजने वाले नेताओं पर ही बिफर गए और उन पर आरोप लगा दिया कि ये नेता BJP से मिले हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में ये पत्र लिखा गया था और 23 नेताओं से हस्ताक्षर किए गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।